क्या आप जानते हैं कि आपके हाथों और पैरों की उबरी नसें आपकी सेहत के बारे में बहुत कुछ बता देती हैं। ये उम्र के अलग अलग पड़ाव पर अलग अलग संदेश देती हैं। हाथों की उबरी नसें जेंडर के बारे में भी बताती हैं। बॉयज के हाथों की नसें लड़कियों के हाथों की नसों के मुकाबले ज्यादा उभरी होती हैं या फूली होती हैं, जो मैस्कुलिनिटी का एक निशानी है। अगर ये नसें साफ, लंबी और बिना गुच्छों के फूली होती हैं तो ये हेल्दी वेंस कहलाती हैं। लेकिन लेकिन अगर आपके पैरों की नसें गुच्छों के रूप में फूली हुई दिखने लगे तो ये बीमारी का लक्षण है, जिसके कई सारे कारण हो सकते हैं। और आज इस वीडियो में मैं उन्हीं कारणों के बारे में बात करूंगा कि वो कौन कौन से कारण होते हैं। उसमें देखिए, सबसे पहला होता है ओबेसिटी और मोटापा। हालांकि मोटापे की हालत में वेंस दिखती ही नहीं है, कम दिखती है। आपने देखा होगा कि मोटे लोगों में ब्लड का सैंपल लेना बहुत मुश्किल होता है, उनकी नस ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर मोटे लोगों की पैरों में ये गुच्छों की शक्ल में नसें दिखने लगे, और अक्सर दिखने लगती हैं, जो गहरे नीले रंग की हो सकती हैं, तो ये मान ले कि आपकी नसें यानी वेन्स के अंदर रुकावट आ रही है। जो ब्लड हार्ट की तरफ वापस जाना चाहिए था वो वापस नहीं जा रहा है, जिससे यहाँ पे बीमारी डेवलप हो रही है। मोटापा इसको और ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि नीचे प्रेशर पड़ता रहता है पैरों पे वेन्स पे, जिसकी वजह से ये बीमारी में बदल जाते हैं, जिसको वेरिकोज वेन्स के नाम से जानते हैं। ये बीमारी ज्यादा लंबी देर तक खड़े होने वाले लोगों में अक्सर होती है, जैसे गार्ड्स वगैरह में, जो लंबे समय तक खड़े रहते हैं। दूसरा देखिए, वेरिकोज वेन्स जो है ना, दिखती है लीवर फेलियर में। अगर आपका लीवर फेल होने लगा है तो आपको बारीक बारीक, जिनका रंग हल्के नीले रंग का होगा, आपके पैरों पे या पेट पे ये नसें दिखने लगेंगी, जो लीवर फेलियर का एक लक्षण है। और साथ में अगर बॉडी पे स्वेलिंग हो, आंखों में पीलापन दिखने लगे, पेशाब पीला आने लगे, तो ये मान लें कि आपका लीवर जो है वो फेल होना शुरू हो गया है। नंबर तीन दोस्तों, बढ़ती उम्र। जैसे हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, हमारे जो वेन्स हैं उनके वॉल्व कमजोर होने लगते हैं, जिसके कारण जो है खून वो पीछे वापस नहीं जाता है, वहीं जमा होता है। तो आपने देखा होगा लाल लाल काले रंग के गुच्छे के रूप में बारीक बारीक नसें पैरों पे हाथों पे दिखने लगती हैं, जिनमें कई बार फ्लेबाइटिस यानी कि इन नसों के अंदर सूजन भी आ जाती है, जो बीमारी को और ज्यादा बढ़ा जाती है, और वहां पे फिर रक्त का थक्का बनने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा फीमेल्स में, फीमेल जैसे जो फीमेल बर्थ कंट्रोल पिल ज्यादा लेती है, उनको फ्लेबाइटिस होने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही साथ ये नसें फूलने की दिक्कत बढ़ जाती है। और इसको आगे फर्दर अगर हम कंटिन्यू करें, जैसे प्रेगनेंसी और मेनोपॉज में भी, क्योंकि जैसे हार्मोनल पिल्स हैं, बर्थ कंट्रोल्स हैं, या जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्मोनल चेंज हुए हैं, या मेनोपॉज के दौरान जो हार्मोनल चेंज हुआ है, उसकी वजह से इन वेन्स के अंदर जो है वो रुकावट आने लगती है, सूजन आने लगती है, और वहां पे जो है ये फ्लेबाइटिस डेवलप हो जाता है। थ्रोम्बोसिस, वीनस थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है, जो एक बड़ा खतरा होता है। नंबर पांच, अगर हम बात करें जो डिफेक्टिव वॉल्स, ये बाय बर्थ भी हो सकते हैं, एज के साथ भी हो सकते हैं। तो आपकी इन वेन्स के अंदर वॉल्स होते हैं जो ब्लड को ठीक से आने और जाने में मदद करते हैं। अगर ये वॉल्व खराब हो जाए तो आपकी नसें फूलने लगती हैं, वहाँ पे एनगॉर्जमेंट होने लगता है, और उसके साथ साथ ये बीमारी बढ़ने लगती है। आपने बहुत बार देखा होगा बहुत सारे लोगों की बहुत ज्यादा फूली हुई नसें होती हैं। तो अगर ऐसे लक्षण आपको दिखने लगते हैं तो आपको फटाफट इसके इलाज के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसे मरीजों में ब्लड क्लॉटिंग का खतरा ज्यादा बढ़ता है। तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, जिसमें इमीडिएट सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, या ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। अब देखिए, अगर आपका डायग्नोस हो ही गया है, यदि आपको वेरिकोज वेन है, या आपकी सारी नसें फूली हुई दिखने लगी है, तो आपको आपका समय रहते इनको इलाज कराने की जरूरत है। उसके लिए देखिए, आपको जाना पड़ेगा किसी ऐसे डॉक्टर के पास जिसको इलाज करते हैं। इलाज कौन डॉक्टर करते हैं? वैस्कुलर सर्जन जो है इसका इलाज बड़ी आसानी से, सरल तरीके से करते हैं। आजकल लेजर ट्रीटमेंट्स आने लगते हैं, बहुत ही कामयाब ट्रीटमेंट होता है। तो अगर आपको लगता है कि बीमारी आपको है, या ऐसे लक्षण आपको दिखने लगे हैं, तो फटाफट आप इसका इलाज कराएं। लेकिन कारण के बेस पे होता है। अगर ये लीवर फेलियर के कारण है तो आपको लीवर के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, या अगर ये हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से, इम्बैलेंस की वजह से, हार्मोनल पिल्स की वजह से, आपकी एज की वजह से, गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह है, तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये जानकारी पसंद आई होगी। और अगर वाकई आपको ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लें, शेयर करें, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, सो दैट इस तरह के हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको समय पर मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।